शिव शिव, जय श्री राम। सभी भारतवासियों को, सनातन धर्मियों को सादर नमस्कार। बंधुओं, आशा है कि आप सभी कुशल हैं। जैसा कि आपको विदित है कि आज अनलॉक टू का प्रारंभ हो गया। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने उद्बोधन में कई घोषणा की, और सबसे बढ़िया घोषणा जिसे मैं भी पुरजोर समर्थन करता हूं, वन नेशन वन कार्ड। ये कार्य अभी नहीं, बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन कहते हैं कि जिस राजा के काल में जो निर्णय लिखा होता है और जिसका श्रेय जिसको मिलना होता है तभी वो हो पाता है। तो आज एक राष्ट्र एक कार्ड, क्योंकि हमारे देश में विभिन्न राज्यों के प्रदेशवासी विभिन्न प्रदेशों में कार्य की दृष्टि से, आजीविका की दृष्टि से उनका पलायन होता था, और वहां फिर वो प्रांतवाद में फंस जाते थे। राशन कार्ड यूपी का है और वो मुंबई चले गए तो उनको कोई सुविधा नहीं मिल रही। तो ऐसी दृष्टि में एक राष्ट्र एक कार्ड का जो सिस्टम हमारे भारत सरकार ने किया है तो वाकई स्वागत योग्य है, और मैं इसकी भूर प्रशंसा करता हूं। मित्रों, दूसरा अनलॉक टू का जो प्रारंभ हुआ है, इसमें तमाम एडवाइजरी गाइडलाइन जारी हुई है गृह मंत्रालय की तरफ से, और उसमें राज्यों को भी ये कहा गया है कि आप अपने आवश्यक निर्देश समझते हुए उसका पालन करके उसमें कुछ तब्दीली भी कर सकते हैं। लेकिन कोई भी प्रदेश नहीं चाहता कि कोई ऐसी स्थिति हो, तो वह जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है उसके मुताबिक कहीं ना कहीं जब वो गाइडलाइन बनी है तो निश्चित रूप से सभी प्रदेश की सरकारों, मुख्यमंत्रियों, मुख्य सचिवों के साथ बैठ करके गृह मंत्रालय ने ये सब नियमावली बनाई होगी। और जो अनलॉक टू आया है उसकी एडवाइजरी के मुताबिक अनलॉक वन में जो था वही अनलॉक टू में है, केवल वन टू हो गया है, वन से टू हो गया है। जुलाई तक सारे कार्य बंद, शिक्षण संस्थान बंद, मॉल, बार, थिएटर, स्पोर्ट्स स्टेडियम, सामाजिक कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम सब बंद रहेंगे। और जिस प्रकार जून में अनलॉक बन रहा उसी की तर्ज पर अनलॉक टू घोषित किया गया है। और जैसा कि अभी कोरोना का कहर बढ़ रहा है और सरकारों के साथ मिलकर के ये गृह मंत्रालय ने सोचा होगा कि अब आने वाला अभी सावन का महीना पूरा जुलाई का है, इसमें एक नहीं दो नहीं पांच सोमवार आएंगे और बरसात का मौसम होता है, जिसमें कि आपको विदित है कि सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार ये सब इस मौसम में अत्यधिक होते हैं। तो इन सारी चीजों को दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने ये कड़ा नियम बनाया कि 31 जुलाई तक जस की तस रहेगा। केवल कर्फ्यू का टाइम 9 बजे से 10 बजे कर दिया, 10 से 5 कर्फ्यू रहेगा। रात्रि में जो यात्रा करने वाले वो भी अलर्ट रहे, अब रात्रि में कोई भी यात्रा नहीं होगी। और पूरे जो दिन में जो दुकानें खुलेंगी वहां 5 व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे, अपनी खरीद फरोख्त कर सकेंगे। इस तरह से दूसरा गमछा, मास्क, फेस कवर और दस्ताने, ये सारी चीजें अनिवार्य होंगी। इस प्रकार से आप अब ये लब लो, आप समझिए कि पूरा जुलाई भी आपको घर पर ही बैठना पड़ेगा। भारत सरकार ने भारतवासियों की चिंता को देखते हुए अभी ये तो कहा नहीं कि वही वही लॉकडाउन है, थोड़ा सा इतना हो गया है कि आप बाजार जा सकते हैं, बाजार से अपनी
रोजमर्रा की वस्तुओं को खरीद सकते हैं बेखौफ होकर, क्योंकि पहले निर्भयता नहीं थी, क्योंकि लॉकडाउन में तो आप जा ही नहीं सकते थे, एक दो घंटे के लिए खोला, वो एक तरह से कर्फ्यू था। अब ये कर्फ्यू ना होकर के एक कह सकते हैं कि कोई जैसे कोई धारा लगा दी जाए, उसमें एक नियम बना दी जाए, भाई ये काम कर सकते हैं। बाकी इतना ही है, मैं जहां तक समझता हूं कि आप बाजार जा सकते हैं, 8 सुबह से शाम तक बाजार में घूम सकते हैं, सामान खरीद सकते हैं, कोई आपको ना कोई रोकेगा ना कोई टोकेगा। मास्क पहनकर घूमती रहिए। बाकी जिनकी ऑफिस है वो वहां जा सकते हैं, बैंक आदि के काम कर सकते हैं, छोटे दुकानदार भाई हैं वो अपनी दुकान पर बैठ सकते हैं। बाकी बड़ी गतिविधि कोई नहीं होगी, ना कोई शिक्षण संस्थान खुल रहा, ना कोई स्टेडियम, ना कोई जिम, ना कोई बार, ना कोई मनोरंजन के साधन, ना कोई पर्यटन, ना कोई थिएटर, ना कोई धार्मिक आयोजन, ना कोई सामाजिक आयोजन, ना कोई राजनीतिक आयोजन। तो ये ठीक भी है, और हम सबको भारत सरकार के अनलॉक 2 के तहत जारी होने वाले नियमों का पालन करना चाहिए और उसी पालना पर चलना चाहिए। दूसरी चिंताजनक बात यह और हुई कि जिस प्रकार चमगादड़ से उत्पन्न हुए इस कोरोना महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है, एक और चीन से रोग का पदार्पण हुआ है जिसका नाम G4 वायरस रखा है, और वो पिग से होता है, यानी सुअर जानवर से होता है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट आई है, और वो चीन में फैल चुका है, और ऐसे ही कोरोना की तरह है। अब आप ये सोचिए, अगर ये G4 अगर पूरे विश्व में फैल गया तो क्या होगा। इसके लिए सभी सरकारों को चीन से तो बिल्कुल संबंध खत्म कर देना चाहिए। और आज आपने ये समाचार भी सुना होगा कि 59 ऐप्स जो कि हमारे मोबाइल में होती थी, टिकटॉक, लाइकी, हेलो, क्लीन मास्टर, तमाम तरह की जो चीजें हम उनको यूज करते थे, हमें पता ही नहीं था कि ये चीनी ऐप्स हैं, उन 59 ऐप्स को भी भारत सरकार ने बैन लगा दिया है। इसीलिए आप सभी चीनी सामान का बहिष्कार करें। कई बार ये प्रश्न उठता है कि अब ये जो चीनी दुकानदार हैं इनका क्या होगा। अब भैया ये तो देश हित की बात तो ऐसी है कि उसमें तो सबको नुकसान भी उठाना पड़ेगा। हमारे भारत माँ के सपूत अपनी जान गंवा करके देश की रक्षा के लिए खड़े हैं, और हम लोग इतना भी ना करें तो अपने देश के शहीदों के लिए श्रद्धांजलि कैसे होगी। इसलिए उन एप्स का तो ऑलरेडी भारत सरकार ने बैन ही लगा दिया, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में अगर कहते यूज मत करो तो करते। अब रही सामान की, तो दुकानदार भाई नहीं बेचे जो ले रखे हैं। तीसरा ये है कि अब विषय इस बात पर आ जाता है, इस भारत सरकार और राज्य सरकारों को थोड़ा सोचना चाहिए कि मुख्यतः जो सामाजिक और धार्मिक आयोजनों से जुड़े लोग हैं, जिसमें धार्मिक आयोजनों में जैसे कथावाचकों के संग जो संगीत आदि के लिए जो टीम चलती है, साउंड वाला है, टेंट वाला है, तमाम और उपकरण साधनों का प्रयोग करने वाले लोग हैं, उधर सामाजिक कार्यक्रमों में रुचि लेने वाले और प्रतिभाओं को कैसे होगा, इसके लिए कुछ ना कुछ सरकार को सोचना चाहिए। और बाकी ये महीना भी आप घर पर ही बिताएं, क्योंकि कुछ है ही नहीं, कोई भी किसी तरह की छूट नहीं है। केवल और केवल छूट यह है कि आप अब इतना है कि बाजारों में जाने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा कि वहां पुलिस वाले रुकेंगे, कि वहां सख्ती करेंगे। दस्ताने और मास्क पहन के घूमते रहो, जितना आपका समय काम दुकानों में अगर टाइम सामान लेना है आराम से चले जाओ, घर आ जाओ, बाकी जुलाई घर पर ही जाएगी। और इस प्रकार ये आज अनलॉक 2 का जो घोषणा सरकार ने की, तो हमारा मन हुआ कि आपसे रूबरू हो, आपके समक्ष अपनी बात कहें। बाकी देश हमारा इस समय भारी संकट से जूझ रहा है, उधर कोरोना महामारी का कई सरकारों में चिंता का विषय है, रोजाना लोग मौत के गाल में समा रहे हैं, और दूसरी हमारी सरहदों पर दुश्मनों की बुरी नीयत है। उधर
पाकिस्तान अपना पंजा दबाए बैठा है, उधर चीन, और ऊपर से हमारी ये मुकुट जिसे हम कश्मीर कहते हैं उसके आसपास जितना भी इलाका लद्दाख है, बलूचिस्तान है, और बहुत हमारा जो भारत सरकार भारत देश का जो नक्शा है उसके मुताबिक भी बहुत जगह हमारी कब्जा की हुई है, लेकिन एक चील की तरह मुंह फैला के बैठे हैं दोनों देश। उधर से हमारे पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका को भी बरगलाने में लगे हुए हैं। तो ये जो साल हमारे लिए बड़ी मुसीबतों का है, घर से लेकर के और देश तक, हमें अपने घर का भी मैनेजमेंट देखना है, समाज में भी सामंजस्य बैठाना है, तो बड़ी मुश्किलात हैं। जैसे किसी कवि ने कहा था कि बहुत कठिन है डगर पनघट की, तो ये जो पनघट की डगर है यानी पनघट रूपी जो बुरा वक्त है, इसको पार करने के लिए बहुत हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए किसी भी तरह से ना सोचते हुए ना चिंता करते हुए अपने मन को स्वस्थ रखें, सुरक्षित रहें। जान है तो जान है, ये महीना भी ऐसे कट जाएगा, बाकी प्रभु की लीला है प्रभु। लेकिन इस बात पर मैं चलते चलते एक बात जरूर कहना चाहता हूं, हमारे आज कई आचार्य विद्वानों ने भी कहा कि इस काल से हमें भगवान के प्रति थोड़ा सा, और हम सभी सनातन धर्मी भगवान के प्रति क्या भगवान की ही लीलाओं और भगवान के गुणगानों को श्रवण कर, दर्शन कर लाभान्वित होते हैं और उनसे संदेश लेते हैं। लेकिन इस काल ने हमें भगवान की तरफ और मोड़ दिया है कि भगवान हर व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान कणकण में विद्वान है, और भगवान की शरण लेकर के समय को काटना है। भगवान की शरण में जा शरणागत होकर के जिस प्रकार भक्त प्रह्लाद ने तमाम बाधाओं को पार करते हुए फिर भी अपने मुख पर प्रसन्नता वो लाते रहे, तमाम मृत्यु के गेटों को पार करते रहे, और लेकिन तनिक भी घबराए नहीं, क्योंकि उनको अपने प्रभु पर विश्वास था। और भक्त और भगवान की जो लीलाएं वो सैकड़ों ऐसी हैं कि भक्त को अपने भगवान पर भरोसा था, ऐसे ही हमको अपने भगवान पर भरोसा रखना है। और चलते चलते एक निवेदन और करना है कि जितना हो सके सामाजिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में जो रुके पड़े हैं संसाधन है, जैसे कि भारतवर्ष में गौशालाएं हैं, उनके जो संचालक हैं उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी धार्मिक कार्यों को अंजाम देने वाले हमारे आदरणीय सेवायत हैं, और तमाम हमारे आयोजनों को संचालित करने वाले आचार्यगण हैं, आप जहां जहां भी उनके संपर्क में हो तो उनसे हालचाल लेकर के उनके साथ में अपने विचार साझा करें और सहयोग करें, क्योंकि जन जन से कड़ी जुड़ते हुए जब जुड़ती है तभी वह कार्य संपादित होते हैं। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। मेरा आज मन हुआ, ऐसे ही जुलाई भी चली जाएगी, हरि का गुणगान करते रहें। और ये जो जुलाई है ये बड़ी, कहते ना कि जब नदी का झोंका आता है और नदी में एक बाढ़ सी स्थिति उत्पन्न होती है, और जब एक नाविक नाव चला रहा होता है और उसके साथ में बैठे सवार जो होते हैं उनको नाविक क्या कहता है, बस थोड़ा सा दूर और है, क्योंकि उसे पता है कि अभी मैं भंवर में फंस गया हूं, लेकिन अपने नाविक के सवार जो नाविक जन नाविक में जो सवार कर रहे होते हैं उनको क्या कहता है, बस थोड़ी दूर और किनारा है। इसलिए हमको अपने आप को ये जाते हुए अपने बच्चों को और आगे की पीढ़ी को ये समझाते हुए चलना है कि बस थोड़ी दूर और किनारा है, और किनारा मिल जाएगा। ऐसे ही जुलाई भी चली जाएगी, अनलॉक टू का हमको पालन करना है, क्योंकि हमारे पास और कोई विकल्प भी नहीं है, इसलिए क्यों ना उसका और भलीभांति पालन करें, मन को तनाव रहित रखें और भगवान का भजन करें, भगवान पर विश्वास रखें, सब अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जान है तो जहान है, जब जान ही नहीं होगी तो इस जहान को कैसे पता करेंगे क्या है, हमारा घूमना फिरना, हमारा चलना फिरना, फिर बहुत चलना है आगे जीवन में, इसलिए संयम रखें,
और मन को नियंत्रित रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसी वाणी के साथ आपके साथ बहुत दिन बाद में सम्मुख उपस्थित हुआ। आशा है आप सभी कुशल हैं और कुशल रहेंगे और जुलाई को बड़े आनंदित रूप से बिताएंगे, अनलॉक टू का पालन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विश्राम फिलहाल देते हुए आप सभी के कुशल खेम की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय शिव शिव, ओम हरि ओम।